अपनी बदलती हुई नीतियों को लेकर इलॉन मस्क हमेशा चर्चा में रहे, पर अब जो खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, उसने अपनी पॉलिसी में एक नया बदलाव किया है और ये बदलाव किसी और से नहीं बल्कि एडल्ट कंटेंट से जुड़ा हुआ है। दरअसल इलॉन मस्क के एक्स ने एडल्ट कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर मंजूरी दे दी है। आखिर क्या है एक्स की नई पॉलिसी? दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है, जिसमें इलॉन मस्क के इस प्लेटफॉर्म पर एडल्ट यानी पॉर्न कंटेंट की पोस्टिंग को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इलॉन मस्क खुद दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खास तौर पर इंस्टाग्राम पर न्यूडिटी को प्रमोट करने का आरोप लगाते रहे, हालांकि अब उन्होंने खुद ही इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन अब एक्स पर एडल्ट कंटेंट को मंजूरी के बाद एक सवाल उठता है कि क्या भारत में एक्स को बैन किया जाएगा, क्योंकि भारत में पॉर्न वेबसाइट बैन है, लेकिन भारत में हर घंटे में न्यूडिटी वाला हैशटैग ट्रेंड करता है। पिछले हफ्ते ही एक्स पर न्यूडिटी से जुड़ा एक हैशटैग ट्रेंड होता दिखाई दिया। इसके अलावा भी भारत में आम चुनाव में एग्जिट पोल जब आया, उस दिन भी सुबह से कई घंटे तक एक्स पर न्यूडिटी वाला वर्ड ट्रेंड करता रहा। इतना ही नहीं, न्यूडिटी वाले इस वर्ड के लगभग 40 लाख हैशटैग भी यूज किए गए। अगर अब बात एक्स की नई पॉलिसी की करें तो एक्स पर पहले भी कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो एडल्ट कंटेंट को शेयर करते हैं। ऐसे में अकाउंट्स को NSFW यानी नॉट सेफ फॉर वर्क कहा जाता है। चूंकि एक्स पर पहले से ही ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं, इसलिए इस पॉलिसी ने बहुत से लोगों को आश्चर्य में नहीं डाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी एडल्ट कंटेंट पॉलिसी में लिखा, हम मानते हैं कि यूजर्स तब तक सेक्सुअल थीम पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम कर सकते हैं जब तक उसे सिर्फ सम्मानित से बनाया और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेक्सुअल एक्सप्रेशन विजुअल्स या टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सप्रेशन का वैध तरीका हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत में क्या एक्स को बैन किया जाएगा? हम सभी को पता है कि भारत में पॉर्न साइट पर बैन है, यानी आप पॉर्न साइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिसमें एडल्ट कंटेंट मौजूद है। भारत में फिलहाल तो बैन होने की कोई स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन भविष्य में एडल्ट कंटेंट को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे कंटेंट मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें इसे सीधे तौर पर मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करने पर रिमूव कर लिया जाता है, कम से कम शिकायत करने वाले यूजर्स की फीड से तो रिमूव हो जाता है। अब भारत में इसको लेकर सरकार का क्या होगा कदम, वो जानने लायक होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे ABP लाइव से।